हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं एलोट्रोपी इन कार्बन। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट एग्जाम्स में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये आपको नहीं छोड़ने वाला है, ये आता रहेगा। चलिए सीखते हैं एलोट्रोपी इन कार्बन। बच्चों प्रेजेंस ऑफ वन एलिमेंट इन वेरियस फॉर्म्स इज नोन एज एलोट्रोपी एंड वेरियस फॉर्म्स एज एलोट्रोप्स और एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स। तो जब कोई एक एलिमेंट नेचर के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो सारी जो नेचुरल फॉर्म्स होती हैं दे आर नोन एज एलोट्रोप्स और एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर। क्या आपको ये क्लियर है? चलिए फिर आगे। Allotropes have different physical properties and comparable chemical properties. बच्चों इन different forms की, इन allotropes की physical property बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन chemical property आपस में resemble करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रीजन ऑफ एलोट्रोपी इन कार्बन। वो क्या रीजन है जिसकी वजह से कार्बन एलोट्रोपी दिखाता है? कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फेवर एलोट्रोपी इन कार्बन। बच्चों आपको बताया था कार्बन के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। बच्चों कैटिनेशन यानी कि चेन फॉर्मिंग कैपेबिलिटी ऑफ कार्बन, दूसरा टेट्रावेलेंसी और तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों ये तीनों फैक्टर जो होते हैं ये फेवर करते हैं कार्बन को कि वो एलोट्रोपी को दिखा सके। यानी कि कार्बन जो है नेचर के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बच्चों एलोट्रोप कितने टाइप के होते हैं कार्बन में, ये हमको देखना है। कार्बन हैज मेनली टू क्लास ऑफ एलोट्रोप्स। बच्चों कार्बन के अंदर हमको पता है कि जो हम लोग एलोट्रोप्स के लिए जाएंगे तो वहां पर दो फॉर्म में एलोट्रोप्स मिलते हैं। बच्चों मेजर क्लासेस हैं ये। एक क्लास होती क्रिस्टलाइन फॉर्म की और दूसरी क्लास होती है एमोरफस फॉर्म की। तो आइए चलिए अब इसको एक काम करते हैं, ये स्टडी को थोड़ा सा कंसाइज करके पढ़ते हैं। एलोट्रोपी इन कार्बन। बच्चों बताया था, डिस्कस किया था कि एलोट्रोप्स जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं उनकी दो मेन क्लास हैं। एक क्लास होता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा क्लास होता है एमोरफस फॉर्म। बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म किसको बोलते हैं? बच्चों ऐसा फॉर्म, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है थ्रू आउट द लैटिस, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। लेकिन जब स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर होता है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है उनके अरेंजमेंट का, तो वो जो फॉर्म होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है अमॉर्फस फॉर्म। क्लियर है आपको? तो ऐसा एलोट्रोप जिसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाता है। ऐसा एलोट्रोप जिसके अंदर बच्चों पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर होता है वो एमोरफस फॉर्म कहलाता है। क्लियर है? क्रिस्टलाइन फॉर्म को फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। बच्चों इन तीनों टाइप में, इन तीनों एलोट्रोप में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कार्बन एटम होते हैं, उनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसीलिए क्रिस्टलाइन के तीन फॉर्म होते हैं। लेकिन ध्यान से देखें बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है वो एमोरफस फॉर्म है। यानी इन सारे एलोट्रोप में, इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन पार्टिकल यानी कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो इररेगुलर होगा। क्लियर है? तो आइए चलते हैं। एमोरफस फॉर्म के तीन टाइप होते हैं बच्चों, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक। अब बात करते हैं कोल, तो नेचर के अंदर मिलता है कोल, दो फॉर्म में मिलता है, कोक और गैस कार्बन। क्लियर हुआ बच्चों? अब बात करते हैं चारकोल। चारकोल के मेन दो क्लास होते हैं, एक प्लांट चारकोल जो प्लांट से तैयार होता है और दूसरा एनिमल चारकोल, नाम से ही चल रहा पता, जो एनिमल से बनता है। अब बात करते हैं प्लांट चारकोल। बच्चों दो तरह का होता है फर्दर, वुड चारकोल, सुगर चारकोल। एनिमल चारकोल भी दो टाइप का हो जाएगा, एक होता है हमारा बोन चारकोल और दूसरा होता है हमारा ब्लड चारकोल। क्या ये आपको क्लियर है? बच्चों पॉज कीजिए और देखिए इसको फर्दर, हम लोग स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये हमारे कोर्स में। अब हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलोट्रोप्स इन कार्बन। क्लियर है?
भी डिस्कस किया था हमने कि कार्बन के एलोट्रॉप्स में दो क्लास होती है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। फिर हमने देखा था कि वहां पर जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है उसकी तीन टाइप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो अब इसकी हम कंसाइज स्टडी करते हैं एक साथ। आइए डायमंड में बात करते हैं, वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। पहले डायमंड लेते हैं। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट फॉर्म इन विच ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन्स टाइटली। तो बच्चों इससे होता क्या है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन चार अदर कार्बन के साथ टाइटली पैक्ड होता है, जिससे उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस यूज्ड इन ग्लास कटिंग, एब्रेसिव एटसेट्रा। ये बताया कि डायमंड के अंदर कार्बन जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, और टाइटली हेल्ड होने की वजह से क्या होता है कि ये हार्डेस्ट हो जाता है। नेचर के अंदर कार्बन से ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कोई भी नहीं मिलता है, और इसी हार्डनेस की वजह से ये ग्लास कटिंग के काम आता है। और जो सर्जिकल टूल्स होते हैं डॉक्टर्स के, मेडिकोज के, जैसे कि ब्लेड है, नाइफ है, तो जो उसकी एजेस होते हैं उनको धार लगाने का काम भी इसी से किया जाता है। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट लेते हैं। इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों यहां पर डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिससे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टिविटी शो करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है, या तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसके अंदर आयंस हो। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, इंसुलेटर होता है हमारा डायमंड। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। इट इज ब्लैक कलर्ड फॉर्म इन विच ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स वीकली। बच्चों ग्रेफाइट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है डायमंड के कंपैरिजन में। डायमंड में एक कार्बन एटम चार डिफरेंट कार्बन के साथ बाइंड किया था, लेकिन ग्रेफाइट और फुलरीन में एक कार्बन तीन कार्बन के साथ लिंक करता है। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस है। और यहां पे जो बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन के बीच वो वीक होती है देन दैट ऑफ डायमंड। तो एक बात तो क्लियर होगा कि ये सॉफ्ट होंगे। जी हाँ ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा जब आप पेंसिल से लिखते हैं थोड़ा भी अगर टाइटली दबा देते हैं तो पेंसिल टूट जाती है। आइए बात करते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हाई टेंपरेचर डिवाइसेस। बच्चों जो डिवाइस हाई टेंपरेचर पे काम करती हैं वहां पे इंजन ऑयल या ग्रीस यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस। वहां पर आग लगने का डर होता है तो वहां पर हमारा ग्रेफाइट पाउडर को यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। बच्चों उसमें थर्मल रेजिस्टेंस की पावर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इन तीनों एलोट्रोप के अंदर ग्रेफाइट ही इजीली करंट फ्लो करता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। करते हैं फुलरीन की। बच्चों इट इज येलोइज ट्रांसपेरेंट फॉर्म इन विच ईच कार्बन एटम कोवेलेंटली लिंक्ड टू थ्री अदर कार्बन्स टू गिव अ फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी बताया था बच्चों फुलरीन और ग्रेफाइट में होता क्या कि एक कार्बन थ्री अदर कार्बन के साथ कंबाइन रहता है, और यहां पर होता क्या है बच्चों कि ये बॉन्डिंग वीकर होती है देन दैट ऑफ डायमंड। अगर कंपैरिजन करें जो सबसे ज्यादा टाइट पैकिंग होती है वो डायमंड में होती है, उसके बाद फुलरीन में होती है, और नंबर तीन पे आता है हमारा ग्रेफाइट। तो यहां पे बॉन्डिंग वीकर ही होगी देन दैट ऑफ डायमंड। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है कार्बन का वो अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक फुटबॉल के जैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है फुलरीन में। तो फुलरीन कोई पूछे कैसा होता है तो सर आप बोलेंगे इट इज अ स्फेरिकल फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सर इट इज यूज्ड इन एंटी एचआईवी ट्रीटमेंट एज एंड एज सुपर कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। बच्चों फुलरीन का जो यूज होता है वो एड्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है जिसको एंटी एचआईवी ट्रीटमेंट बोलते हैं। और हाँ सुपर कंडक्टर्स जो हाई टेम्परेचर पे काम करने वाले सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं फुलरीन से। अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। इट इज इंसुलेटर इन प्योर फॉर्म बट अंडर सम सर्टेन कंडीशंस इट मे बी सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। ध्यान रखिएगा फुलरीन इन द प्योर फॉर्म इज
जी हाँ इंसुलेटर, ये करंट पास नहीं करता है, बट अगर फुलरीन के ऊपर अगर आप कुछ कंडीशन सर्टेन कंडीशन से अप्लाई करते हैं तो ये सेमी कंडक्टर एज वेल एज सुपर कंडक्टर भी बन जाता है। क्या ये आपको क्लियर है? सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड द थ्री मेन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन आर एक्सप्लेन। बच्चों पॉज कीजिए, पेंसिल रखिए और इसको क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।